गाइस, वेलकम बैक टू फूडी लाजवाब। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल, पूरे भारत का फेवरेट भी बोल सकते हैं। और यू नो, समर में मतलब पूरे भारत में लोग खाना भी पसंद करते हैं, कच्चा आम। तो कच्चे आम की आज हम बनाएंगे चटनी, और वो मेरे स्टाइल में होगी। तो मैं कैसे अपने घर में आम की चटनी बनाती हूँ, चलो वो देखते हैं जल्दी से। आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मिक्सी का जार। उसमें मैंने डाला है एक कटा हुआ पूरा आम, वो भी कच्चा। और उसमें मैंने डाली है प्याज, एक प्याज छोटी वाली। अगर आपके पास बेबी अनियंस है तो आप वो भी डाल सकते हो। और मैंने तीन डाले हैं हरी मिर्चें, 5 लहसुन की कलियाँ और 1 कड़ी पत्ते का स्ट्रिंग, यानी कि 10-12 कड़ी पत्ते और 1 पूरा मतलब धनिया पत्ता का कट्टा ले लिया मैंने। और अब फाइनली इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून जीरा। और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, इससे एक अलग टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून सरसों का तेल, आप अपनी मनपसंद का कोई भी तेल डालो। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, अब इसे ग्राइंड करेंगे। फाइनली हमारी आम की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, इट्स रियली यम। सो यस, आज का फूड वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने नए फूड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। बाय।